अब खबर टोंक जिले से है, जहां शहर के व्यस्तम इलाके बहील में दिन दहाड़े एक युवक ने छबे वाली बंदूक से दो युवकों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई और भीड़भाड़ का फायदा उठाकर फायरिंग करने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने दोनों घायल युवकों को सादत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल दोनों युवकों का उपचार जारी है। वहीं सादत अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर बीएल मीणा का कहना है कि फिलहाल दोनों घायल युवकों की हालत स्थिर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में शुरू कर दी। टोंक से कजोड़ गुर्जर की रिपोर्ट। पैसों की छीना जाने कर रहा था, दादागिरी कर रहा था, पहले भी तड़ी पिलाई, नमाज पढ़ के निकला था मैं, पीछे तो फायरिंग करी उनने, जान से मारने की कोशिश करी है, हथियार भी तो उसके पास में, एक बार पहले करिए फिर दोबारा फिर पीछे लग गया मारने के लिए, तो हम बच के निकले वहाँ से भागे, वो हथियार भी तो फिर पीछे पीछे मारने के लिए, जान से मारने के लिए पीछे आ रहा था वो। फायरिंग की उन्होंने। किस किस पे? हम दो भाई दोनों नमाज पढ़ के आ रहे थे, उसने इतने पास आने के पीछे तो फायरिंग करी उनने, फिर दोबारा फिर जानलेवा हमला कर रहा था वो, फिर हम बच के निकल गए, हथियार भी तो उसके पास में। अभी दोपहर में कोई दो पक्षों में झगड़ा हो गया था बहीर इलाके में, उसमें दो पेशेंट हमारे पास आए जिनको गोली लगवारी की वो है सूचना, एक जुबेर नाम का है और एक इरफान नाम का है। जुबेर के पीठ से 3-4 गोलियाँ निकाली हैं, बाकी और एक्सरे के बाद ही चल पाएगा पता कितनी अंदर गोलियाँ हैं या क्या है, बाकी दोनों की हालत स्थिर है और ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और मैं ये भाई है छोटा जुबैर और वो खाला का लड़का भाई है इरफान, ये दोनों नमाज़ पढ़कर आ रहे थे बनियों के मंदिर के वहाँ से, तो इन पे भरी हुई बंदूक, जो बंदूक होती दो नाली बंदूक जिसमें बारूद और छर्रे भरे हुए थे जानवर को मारने वाली, वो इनके पीछे से इन पर हमला किया, तो इनके पूरे बदन के ऊपर, टांगों पे, रान पे, सर में, पीठ पे, सब जगह छर्रे भी हॉस्पिटल से निकाले गए हैं ना, इसकी वीडियो भी है मेरे पास सर, और क्या कहते हैं, इनसे पैसे छीना गए और कुछ धारदार चीज़ भी थी जो पीछे काफ़ी दूर तक वो भागा है, मैंने प्रशासन को बताया भी जाके अभी मौके पे जाके कि भाई यहाँ तक पीछे भागा, वहाँ से छर्रे भी बरामद किए जो वो सरकने हैं प्रशासन का ने, और जान से मारने की कोशिश की गई इसको।